फाइनली दुनिया के सामने भारतीय इसरो ने चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कराकर एक नया इतिहास बनाया है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको ऐसी ऐसी खबर मिलेगी जिसका इंतजार कहीं ना कहीं आप भी कर रहे होंगे। वो पल आ चुका है। इसरो के वैज्ञानिक की पिछले कई वर्षों की मेहनत रंग ला चुकी है और भारत के चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करी है। 23 अगस्त को भारत अपने यान को पहली बार पृथ्वी के अलावा किसी दूसरी जगह पर सुरक्षित लैंडिंग कराने में कामयाब रहा है। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि लैंडिंग के दौरान कुछ पलों के लिए इसरो के ग्राउंड सेंटर का विक्रम लैंडर से संपर्क कमजोर हो गया था और वो बड़ी गलती कर बैठा था जिससे यह मिशन फेल भी हो सकता था। तो आखिर कैसे हुई विक्रम लैंडर की लैंडिंग और क्या थी वो गलती, जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, 22 अगस्त की रात चंद्रयान 3 का विक्रम अपनी आखिरी कक्षा में घूम रहा था और लैंडिंग काउंटडाउन शुरू हो चुका था और इधर लूना 25 ने भी डरा दिया था। लेकिन अब बड़ी खबर ये है कि विक्रम लैंडर ने धीरे धीरे ही सही पर चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कर लिया है और अपनी तेज दहाड़ से भारत के खिलाफ बुरा भला कहने वाले लोगों की बोलती बंद कर चुका है। इनके ख्यालों में कभी ऐसा भी हुआ था कि इसरो दरवाजे खटखटा रहा है, लेकिन आज इसरो ने बता दिया है कि हम अपनी पर आ जाए तो चांद पर पहुंचने में हमें तुम्हारे दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं है। आज धरती छोड़ चांद को भी अपनी मुट्ठी में कर लिया है। दोस्तों, आपको यह जानकर गर्व होगा कि लैंडिंग के साथ रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत चांद पर उतरने वाला चौथा देश और खौफनाक दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन चुका है। दोस्तों, इसरो ने जानकारी दी थी कि 42 दिनों के लंबे समय के बाद 23 अगस्त के दिन शाम 6 बजे चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंड करने वाला था, इसलिए सुबह से ही देश भर में चिंता और खुशी का माहौल छाया हुआ था। लैंडिंग के एक घंटे पहले का माहौल चलिए देखते हैं। तो मिशन की सफलता की उम्मीद के साथ इसरो ने शाम के 5:20 पर विक्रम ऑर्डर सॉफ्ट लैंडिंग मिशन की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की और हर तरह उम्मीद और फिक्र का माहौल छाया हुआ था। दूसरी तरफ भारत का विक्रम लैंडर 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपनी कक्षा के सबसे लोएस्ट पॉइंट यानी कि 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने की दिशा में आगे बढ़ रहा था और संत मिनटों के बाद वह समय आ ही गया जब मिशन के सबसे अहम यानी आखिरी में अंत के 15 मिनट की शुरुआत होने वाली थी। लैंडिंग के ये 15 मिनट इतने ज्यादा अहम इसलिए होते हैं क्योंकि इस प्रोसेस में ग्राउंड की टीम के पास कोई कंट्रोल ही नहीं होता है और अगर स्पेस क्राफ्ट का सामना किसी मुश्किल से हो जाए तो उसे खुद उस मुश्किल का सामना करना होता है और इसी दौर में ज्यादातर स्पेस मिशन फेल हो जाते हैं। वहीं 4 साल पहले हमारा चंद्रयान 2 भी इसी कोशिश में फेल हो गया था। ऐसे में फुली एसी में बैठने के बावजूद भी इसरो के वैज्ञानिकों के पसीने छूट रहे थे, लेकिन हिम्मत बनाए हुए करीब 5:45 पर इसरो के शिव सोमनाथ ने आखिरी बटन दबाकर विक्रम लैंडर को करने का संदेश दे दिया था। अब अगले 15-20 मिनट ही चंद्रयान 3 की किस्मत लिखने वाले थे। फिर इस बटन को दबाने के बाद चंद्रयान 3 ने धीरे धीरे अपनी कक्षा को छोड़ा और चांद की सतह की तरफ बढ़ना शुरू किया। इस दौरान उसने अपने सभी 9 के 9 सेंसर और कैमरे को ऑन कर दिया और 360 डिग्री में देखने लगा। साथ ही इस चरण की शुरुआत में विक्रम लैंडर की रफ्तार 6,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिसे घटाने के लिए उसने अपने सभी डोमेस्टिक इंजन ऑन कर दिए जिन्होंने विपरीत दिशा में प्रेशर लगाकर चंद्रयान 3 की रफ्तार को कम करना शुरू किया। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था और यहाँ सभी काम इसरो की ग्राउंड टीम नहीं बल्कि विक्रम लैंडर खुद कर रहा था क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट तकनीक को शामिल करके इसरो ने इसे रोबोट की तरह बना दिया था। लेकिन कुछ मिनट बाद आते ही वो खौफनाक पल आया जिसमें कुछ पलों के लिए इसरो का संपर्क विक्रम लैंडर के साथ कमजोर हो गया था क्योंकि ये चंद्रमा की 4 साइड में उतर रहा था जहां ज्यादा दूरी होने की वजह से कम्युनिकेशन में दिक्कतें आती रहती है, इसलिए वैज्ञानिकों के चेहरे पर फिक्र का माहौल छाने लगा था। लेकिन इस बार इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत सफल रही और विक्रम लैंडर के एडवांस एल्गोरिदम ने फिर लैंडर के साथ संपर्क साध लिया। साथ ही साथ इसकी लैंडिंग प्रोसेस भी चल रही थी और अब ये अपनी रफ्तार को कई गुना कम कर चुका था। साथ ही उसने अपने एंगल को बदलते हुए हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर लिया था, जिसके बाद मिशन का अगला चरण शुरू हुआ जिसमें सतह से करीब 5 से 1 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच विक्रम लैंडर ने अपनी 4 गुना 2.5 किलोमीटर की लैंडिंग साइट को स्कैन करना शुरू किया और अपने लिए एक परफेक्ट लैंडिंग स्पॉट खोज निकाला जहां ना तो क्रेटर था, ना ही धूल थी और ना ही सतह ज्यादा उबड़ खाबड़ थी। लेकिन इतना ज्यादा लंबा सफर तय करने के बाद विक्रम लैंडर को लैंड करना था जिसके लिए इसने और नीचे जाना शुरू किया और सतह के बेहद करीब यानी 100 मीटर पर पहुंच गया जहां पर इसने अपनी गति को 2 मीटर प्रति सेकंड तक कर दिया, 2 मीटर प्रति सेकंड कर दिया यानी कि 7.2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। लेकिन थोड़ा ज्यादा प्रतुल होने की वजह से गति को और कम कर लिया और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चांद की सतह पर एक साथ अपने चारों पैर रखे और शाम 6:04 पर चांद की सतह पर लैंडिंग कर ली और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को अपने नाम कर लिया। लेकिन ये सेफ लैंडिंग थी या नहीं ये तो अब इसके उपकरण ही बताने वाले थे क्योंकि टूट फूट कर तो कोई भी लैंडिंग कर सकता है, लेकिन सेफ लैंडिंग उसी को कहते हैं जिसमें लैंडिंग के बाद यान के उपकरण ठीक से काम कर रहे हो। इसलिए फाइनल डिसीजन से पहले इसरो की टीम की धड़कन
अड़कनें बढ़ गई थी क्योंकि पहले ही इसी अंतिम चरण में चंद्रयान 2 को खोया था, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं हुई और सफल लैंडिंग रही। और विक्रम लैंडर के टचडाउन सेंसर ने डेटा भेजते हुए कहा, मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया हूं और आप भी। इस लैंडिंग के बाद इसरो ने सभी उपकरणों को ऑन किया जो बिल्कुल सही काम कर रहे थे, जिसके बाद विक्रम लैंडर का दरवाजा 4 घंटे बाद खुला और प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर घूमना शुरू किया। इसी के साथ इसरो ने चंद्र विजय कर लिया और चांद पर पहुंचने वाला 4वां देश बन गया और वर्षों का सपना पूरा हुआ। प्रज्ञान रोवर ने चांद पर अपनी छाप भी छोड़ी है, वहीं फोटो भेजना भी शुरू कर दिया है और अगले 14 दिनों तक डेटा भेजता रहेगा। दोस्तों, ये एक ऐसी खुशी थी जो पल भर में दुख में बदल सकती थी, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने और चंद्रयान ने ऐसा नहीं होने दिया। दोस्तों, इस चैनल का हिस्सा बन जाना क्योंकि ये तो शुरुआत है और बहुत कुछ देखना है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंदू।